ज़्यादा YouTube पे स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आ रही थी आज, पता नहीं क्यों। एक तो वायरल वड़ा पाव गर्ल, तो दूसरा सब इतने नहीं है, वो सब काम है, वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। बट ये जो और जैसे कैमरा ऑन हुआ, आप लोग इस शख्स को बड़े अच्छे से पहचानते ही होंगे, हमारे बच्चे को। तो ये देखिए, जैसे ही चालू हुआ है कैमरा, ये अभी तक नहीं आया था मेरे पास, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ ना, ये देखो कैसे बैठा है, इसकी पूंछ कहाँ जा रही है। मैंगो बोलिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे मैंगो। मैंगो बोलिए आप कुछ। मैंगो ये कुछ नहीं बोलता, कहता है माँ बस खाना दे दो और कोई दुनियादारी से मतलब नहीं मुझे। सो गाइस, मैं ना यूट्यूब पे ऐसी स्क्रोल कर रही थी बहुत, तो मुझे तो पहले ये बिल्लियों के काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने मिल जाते हैं, और उसके बाद अगर इनसे फुर्सत मिल जाए तो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वायरल वड़ा पाव। तो मैं सोच रही थी कि वायरल वड़ा पाव बनाऊँ या फिर उसके बाद मुझे दिख गए मोमोज की वीडियोस, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैं बनाऊँ। अब भाई हम तो रहते हैं मुंबई में, सो वड़ा पाव तो हम यहाँ खाते ही रहते हैं, वो भी ऑथेंटिक जो कि महाराष्ट्र का ही फेमस है। तो अब मैंने एक्चुअली के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए ये अभी ऐसे करके बेइज्जती करके जा रहे हैं। नारंगी बिल्ले मैंने बहुत सुना है, ये नारंगी बिल्ले ऐसे होते हैं, है ना। सो अब इसकी पूंछ के कैमरे में ला रहा है जानबूझकर, कुछ नहीं, इस सबको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये कैमरामैन पर फोकस। ये नारंगी बिल्ला मेरा ये सारी चीज़ें करता रहेगा। सो इसी के साथ पूरे कैमरे पोच मार डाला है। देखो आखिरकार पिछवाड़ा पिछवाड़ा दिखा ये कह रहा है मम्मा अभी भी आप मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो इसने अपना थोड़ा सा यू नो आप लोगों को दिखा दिया टेनन वाला सीन, और अब आके ऐसे मुन्ना बेटा जैसा बना है कि अब तो मेरे बारे में कुछ बोलो। तो भाई दो शब्द पहले मैं बोलूँगी मेरे बच्चे के बारे में, मैंगो के बारे में। ये नारंगी बिल्ला बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब पहुंच जाता है, स्वीट पॉइजन जैसा धीरे धीरे आपको छुपता है, और उसके बाद में ये आपको बिल्कुल भी अपने आप को भूलने का मौका ही नहीं देगा। ये हमेशा अटेंशन दिलाता रहेगा कि घर में मैं हूँ हूँ हूँ। और हमारे घर में और दो कैट्स हैं, एक का नाम है मुग्गू और दूसरा हैंडसम, जिसको आप देख चुके हो मेरे ब्लॉग्स में, मेरे वीडियोज़ में। वो सब इतने नहीं है, वो सब काम है, वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। बट ये जो है ना नारंगी बिल्ला, इसका मुंह देखिए आप, ये नारंगी बिल्ला बोलता है नहीं, मुझे बताइए आप, आप मेरे बारे में बोलिए। ये नाक हमेशा इसकी ऐसे ही रहती है, मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाबू आपके बारे में मैंने बोला दोषो दो नहीं, बहुत ज़्यादा बोला बाबू, मैं बोलूँगी ना फिर वो रात में आके मेरी छुट्टियाँ काट लेगा। एक बार तो मैं सोई थी, क्या बताऊँ मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स आने से भी डरेंगे। मैं एक बार सोई थी और ऐसे ही कुछ हुआ था, इसकी इंसल्ट हो गई, मतलब पार्टी थी, पार्टी में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। अब मैं रात में सो गई, जब सुबह उठकर देख रही हूँ मैंने अपने बाल को कोम किया, कोम के साथ मेरे इतने बाल कट के गिर गए। मैंने सोचा ये क्या है, बाद में पता चला ये मेरे भाई साहब का कमाल। नहीं नहीं आपने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया है, वो नारंगी बिल्ले ने मैंगो ने किया। आज का ब्लॉग का क्रेडिट जाता है मेरे मैंगो को। सो गाइस ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आ रही थी आज, पता नहीं क्यों। एक तो वायरल वड़ा पाव गर्ल, तो दूसरा फेक वड़ा पाव गर्ल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, और ऊपर से फिर वो मुझे दिख गया मोमोज का भी वीडियो। मैंने सोचा दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, क्योंकि अभी आज आफ्टरनून में तो मैंने खा लिया था बिरयानी, है ना, मुरादाबादी बिरयानी, उसकी रेसिपी तो आप लोगों ने देख ली होगी। उसके बाद मैंने सोचा कुछ लाइट खाया जाए, लेकिन यार क्या करें, ये यूट्यूब अगर चलाने की हैबिट होती है ना तो हम कुछ ना कुछ ऐसे ही खाते रहते। मैंने सोचा है वड़ा पाव तो हम खाते हैं मुंबई में, लेट्स गो एंड मेक चिकन मोमोज। चलिए मेरे साथ।
मेरे फर्स्ट ग्राहक हैंडसम। ट्राई माय मोमोज। और ये वाला एक मैंने वीट का भी ट्राई किया है जो कि वीट मोमोज है। सो लेट्स डीप इनटू का चटनी और सो यम, वेरी डिलीशियस। और मैंने अपने मोमोज है ना एक्चुअली चावल के आटे में बनाया तो उसका थोड़ा शेप इधर उधर हो गया, मैदे में नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी तो नहीं है बट ठीक है यार, फ्राई नहीं है ये, स्टीम है तो